आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस दिल्ली की इतनी ठंड में भी आप लोग ग्रेट ही कर रहे होंगे। सो आज हम जा रहे हैं एक बहुत स्पेशल जगह जिसका नाम है बजट बाइक्स, जिसका ओनर है एक यूट्यूबर है, बहुत फेमस यूट्यूबर है वो, क्वर्की मिस। हो सकता है बहुत लोगों ने इसका नाम सुना भी हो। तो ये जो रेस्टोरेंट है बजट बाइक्स, ये उसके बॉयफ्रेंड का है। एंड क्वर्की मिस इज अ यूट्यूबर जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ इसलिए जा रहे हैं बिकॉज वो बहुत फेमस यूट्यूबर देखो है, और वो बहुत तारीफ करती है उसकी बजट बाइक्स की। यहाँ का शॉर्मा बहुत अच्छा है, मोमोज बहुत अच्छा है, मतलब बजट में है सब कुछ। लाइक बजट बाइक्स उसने बोला कि मतलब एवरीथिंग इज इन बजट। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ चेक करने कि उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि बहुत सारे फैंस उसकी वीडियो बनाते हैं कि यार बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। इंस्टाग्राम पे उसके फैंस डालते रहते हैं कि यार हम बजट बाइक्स आए हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत। बट द रियल ट्रूथ इज कि सच्ची में वो उतना टेस्टी है जितनी उसकी तारीफ होती है। ये एक यूट्यूबर की वजह से ओवर हाइप्ड है। हो सकता है ये डायरेक्ट टक्कर लेने वाली बात हो कि भाई अभी तक किसी ने उसका ऑनेस्ट रिव्यू नहीं डाला है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। हो सकता है वो अच्छा निकल जाए, हो सकता है उसका टेस्ट एकदम बेकार निकले। तो आज हम जा रहे हैं वही देखने, फिर आपको बताते हैं कि वो एक्चुअली में वर्थ है उसकी या फिर जस्ट ओवर हाइप्ड है। तो ये रहा हमारे पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन फूड हो गया ना क्राइम। बाइक्स की जो कहानी है वो इसको बता दी है, तो ये भी एग्री करता है मेरे से कि हमें वहाँ जाना चाहिए और एक बार जाना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई सच्ची में इतना अच्छा है या नहीं। बजट बाइक जो है तिलक नगर में और एक है फतेह नगर में, तो हम फतेह नगर वाले ही जा रहे हैं। हाँ जो फतेह नगर में ही है एक्चुअली, एक ही है, दो खोल लिया था उसने, और हम तो हमारे को तो एक ही दिखा। ठीक है, हो सकता है वो बंद हो गया, तो फतेह नगर वाले में चलते हैं। अभी तो बोर्ड लगा है उसका वहाँ। अरे तो बहन जो बोर्ड लगे होने से यार गाली क्यों देता है तू, पर बजट बाइक्स नहीं है। मतलब कितना इरिटेट करती हूँ ना। यू आर सच अ इरिटेटिंग पर्सन। अब बजट बाइक्स की दिवाला निकल गया। हाँ लिखा, क्या लिखा था? अबे बजट बाइक्स यहाँ पे बंद हो चुका है। हाँ। फतेह नगर वाला जो है। हाँ। तो फतेह नगर वाला इन्फॉर्मेशन ही देनी होती गूगल पे कि बजट बाइक्स बंद हो गया, वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे। तो बजट बाइट्स बंद है, दूसरी जगह देख रहे हैं। मेरे को पता नहीं बजट बाइट्स एक्चुअली दूसरा है का, मैं देखती हूँ। आज ना मैं बहुत थक गई हूँ, आज सुबह मैंने शॉपिंग भी करी लहंगे की, मैं क्लास पे भी गई, अब मैं यहाँ पे बजट बाइक्स ढूंढवा रहा है ये मेरे को। हाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर रही, यहाँ पे खाली बातें करवा लो, ढूंढा भी नहीं जा रहा, बजट बाइट भी नहीं ढूंढा जा रहा है इस औरत से। क्या ही झंड है, झंड झंड है तू, झंड औरत चल इस मानव से, मानव बस चुप कर जा रहे हैं ना इस इंसान से। भाई बैठना और वीडियो बनाना भी इज अ टास्क। हाँ बहुत टास्क है तेरे, खुद ये तो है ना, गाड़ी चलाओ साला, बार बार ब्रेकें मारो, अबे रास्ता देख ले कहाँ है, घूमेंगे ना। वही मेरे को मिला वहाँ, गलियाँ इतनी गलियों में कौन अपना बजट बाइक्स खोलेगा। मुझे देखो एक तो हमारा वो बंदी था जो सेकंड में एकदम गए, इतनी गली है, ठीक है गाड़ी चलाने की है तो वहाँ पे संभावना ही नहीं थी, और हम गाड़ी लेके घुस गए, पागल थे हम, ठीक है ये मुझ पे चिल्ला है गाड़ी चलाते कि यार लोग अलग गाड़ी, भैया गाड़ी वहाँ पे नहीं चल सकती, वहाँ पे मेरी बहुत छोटी गाड़ी है, मतलब नैरो रोड्स पे जा सकती है, पर वो इतनी गंदी रोडे हैं, सच बता रहा हूँ, वहाँ गाड़ी चलाना फायदेमंद नहीं है, और इतनी भीड़ इतनी रश, क्योंकि बंदे बाहर होते हैं अपने घरों के इस टाइम, तो बहुत गंदा एरिया था, एरिया बहुत गंदा था, एरिया भी देखो बहुत गंदा है, एरिया ही बहुत गंदा है। और पहली बात, यहाँ वैसी जगह पे कोई अपना वो नहीं खोलेगा रेस्टोरेंट, अगर मैं भी खोलता हूँ आगे जो मैंने सोचा है, तो मैं भी अपना नहीं खोलूंगा कभी भी वहाँ पे जाके, अपना कोई रेस्टोरेंट कैफे उस टाइप का कुछ नहीं खोल सकता मैं वहाँ पे, बहुत गंदा एरिया, बहुत गंदा एरिया, तो बहुत ही गंदा था, ऐसे ऐसे लोग घूम रहे थे पता लग रहा था। तो अगर वहाँ पे बजट बाइक्स था भी तब भी वहाँ पे मैं जाना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज इतना हॉच पॉच ना, लोग वहाँ खड़े हो सकते हैं, खाएंगे भी तो कैसे खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग ही ऐसे थे पहली बात, हम और हम पहुंच नहीं पाए हम, क्योंकि इतनी पतली गली थी जिसके अंदर वो दिखा रहा था मैप। हाँ। तो आप गलती से ही मैप के उस पे मत चलना, और सबसे बड़ी बात इन्होंने ना अपना नंबर दे रखा, नंबर नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा इन्होंने अपना, नहीं नंबर नहीं दे रखा, कोई वो नहीं दे रखी कि यहाँ से आप डायरेक्शन जैसे लिखी होती है डिस्क्रिप्शन वगैरह आप पढ़ोगे
तो कुछ भी नहीं दे रखा, खाली लिख रखा है बजट बाइट्स, और मेरे को लगता है वहाँ नहीं हो सकता, वहाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लोकेशन वहीं की दिखाया था बट बिल्कुल था नहीं आस पास, तो हमें दिखा नहीं, और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई है। पता नहीं क्या है ये, एक वो क्वर्की में सॉरी उसका वो बॉयफ्रेंड, पता नहीं। तो मैंने पहले खाया हुआ है, मेरे को सच्ची में वहाँ का अच्छा नहीं लगा था शॉर्मा, बट मेरे को अब लगा था इम्प्रूवमेंट हो गई होगी, बट मैं जा ही नहीं पाई, तो मेरे कैसे देखूँ इम्प्रूवमेंट हो गई है नहीं हुई है। ना दिमाग खराब हो रहा है, ना लोग पागल हो गए, उसके सब्सक्राइबर पागल हो चुके हैं कि भाई ये है वो है ऐसा है वैसा है, उसको खामा था 1 मिलियन तक पहुँचा दिया लोगों ने, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं। बट प्लीज बजट बाइक जाओ तो बिल्कुल भी मत जाओ, दिमाग मिला भी हमने खाया, दिमाग क्यों गई है दही पागल है नंबर के खराब। कृपा करके अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो सब्सक्राइब कर रहे हो तो देख तो लो, रियलिटी चेक तो करो, है ना। मैं अभी कुछ भी दे रही है एड्रेस, हम वहाँ पे फालतू में चले जाओ, हमें मिले भी ना वहाँ। एक तो जो पहले फतेहनगर वाला बजट बाइट्स है वो बंद कर रखा है, अगर वो आपका बंद है, अगर वो आपका बंद है तो आप गूगल पे अपडेट तो करो कि हमारा वो बंद हो चुका है, हमारा हमने वो बंद कर दिया है, तो आप उस पर अपडेट भी नहीं कर रहे, तो चीज का कोई फायदा नहीं है ना। ना नंबर दे रखा है, पता नहीं है फालतू में हरकतें मचा रखी है, अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी करते रहो। एड ऑन मैं भूल गई इस चीज़ को बोलना, मैंने अभी जस्ट देखा जोमेटो पे तो ओपन आ रहा है, मुझे नहीं पता है कौन से शहर में है बजट बाइक्स, कौन से शहर में है, एंड अभी वो ओपन दिखा रहा है ओके, और अभी मैंने उसके प्राइसेस चेक करे, यू कांट इवन इमेजिन। बजट बाइक्स का मतलब क्या होता है, सब कुछ बजट में होता है एक इंसान के, बट इसके प्राइसेस देख के तो मैं हिल गई हूँ लिटरली, कि क्या प्राइसेस है, इतना ज़्यादा कॉस्टली, इतना ज़्यादा कॉस्टली किस चीज़ के लिए। मतलब मैंने वहाँ से खाया हुआ है एक बारी, एंड मुझे बहुत ही गंदा लगा था उसका टेस्ट, बहुत गंदा, सच्ची बता रही हूँ, और मेरे को तब ऐसे सच्ची लगा था कि यार पैसे वेस्ट है मेरे। और अगर अभी आप उसका प्राइस देखो ना, आप हिल जाओ कि इतना ज़्यादा महंगा, सबसे अगर कंपेयर करें तो उसका सबसे ज़्यादा महंगा था। मतलब अगर आप यूट्यूबर के बॉयफ्रेंड हो तो क्या कोई भी रेट डाल दोगे, इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है मेरे को उस यूट्यूबर से। इवन मैं भी उसको फॉलो करती थी, बट अब कसम से मन उठ चुका है मेरा उससे, भाई लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं ऐसे लोगों को, उसका प्राइस इतना ज़्यादा, बहुत ही गलत है, बहुत गलत। अरे गल वो अपना खाएंगे हेल्दी वाला खाना, हेल्दी चिकन, अब हम हेल्दी अपना पनीर जो भी खाना है, पनीर नहीं भाई, डाइट वाला ही खाना खाएंगे, खाते हैं वही अपना बेस्ट है, वही जाएंगे क्योंकि खाने। वही खाने जाएंगे, और भीड़ बहुत है, अब टाइम भी नहीं बचा हमारे पास इतना, क्योंकि हमारे को घर भी जाना होता है। अब हम जा रहे हैं दार्जी चिकन, जिसका हमने रिव्यू कर रखा है, अब देख सकते हो, है ना। चलो, और आज हम खा रहे हैं अपना चिकन ब्रेस्ट शायद से, और पनीर टिक्का आज हुआ है लॉन्च, तो आज हम पनीर टिक्का खाएंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत जल्दी आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए till then bye 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 take care।